तो फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदी। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे कि रीमान लिउविल फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल इंटीग्रल ये कैसे आया, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इससे पहले देखिए, हमारे पास जो ग्रुनवाल्ड लिटनिको फ्रैक्शनल डेरिवेटिव थे जो इसने डिस्कस किया था, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसको रीमान लिउविल फ्रैक्शनल इंटीग्रल में चेंज करते हैं और इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाते हैं ताकि इसको सोल्व करना इजी बन जाए। तो देखें जो एन सी एन नहीं अल्फा है, यो अल्फा सी ये है, अल्फा सी ये इक्वल टू है अल्फा फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये फैक्टोरियल इनटू इनटू अल्फा माइनस जे होल फैक्टोरियल है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इनटू अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस टू अप टू जाके अल्फा माइनस जे माइनस वन अल्फा माइनस जे माइनस वन। इसे प्रीवियस टर्म डॉट अल्फा माइनस जे होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यानी अल्फा माइनस जे फैक्टोरियल से प्रीवियस टर्म जो है वो अल्फा माइनस इंटू जे माइनस वन फैक्टोरियल, ये माइनस वन होगी होगा ये फैक्टोरियल इंटू अल्फा माइनस ये होल फैक्टोरियल होगा। इन दोनों को कैंसल आउट करते हैं और अभी हम यहाँ पे करते हैं कि जो अल्फा होता है उसको रिप्लेस करते हैं माइनस अल्फा से। अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस किया तो ये माइनस अल्फा सी ये होगा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस वन अप टू माइनस अल्फा माइनस जे प्लस वन डिवाइड बाई जे फैक्टोरियल होगा। ये इसमें से देखिए, जब हम माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ये इसकी जीरो से टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और इसी तरह ये कि या कि ये माइनस वन टर्म है। तो यहाँ पे टोटल जो टर्म बनती है वो ये टर्म बनेंगी माइनस वन की पावर ये होगा ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन होगा, या कि ये होगा कि अल्फा प्लस जे माइनस वन डिवाइड बाई जे फैक्टोरियल के इक्वल। और इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू माइनस वन की पावर जे, या इसको हम रिवर्स में लिखते हैं, रिवर्स में लिखा तो ये होगा अल्फा प्लस जे माइनस वन, क्योंकि ये सबसे ग्रेटर है अल्फा प्लस जे माइनस वन ग्रेटर है, ताकि ये होगा अल्फा प्लस वन और अल्फा माइनस की वजह से ये रिवर्स में जाएगा डिवाइड बाय जे फैक्टोरियल होगा। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं माइनस वन की पावर जे इंटू अल्फा प्लस जे माइनस वन चाहिए अल्फा का 11 है तो माइनस वन फैक्टोरियल होगा डिवाइड बाय जे फैक्टोरियल इनटू अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा से आगे हम अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा माइनस वन फैक्टोरियल एक टर्म ऐड करते हैं तो ये इसके ऊपर होगा ये माइनस अल्फा सी ये फाइनल में इसके इक्वल आ गया। और इसको जब हम गामा फंक्शन में लिखते हैं तो ये माइनस वन की पावर जे गामा अल्फा प्लस जे डिवाइड बाय ये फैक्टोरियल गामा अल्फा होगा, ये गामा फंक्शन की डिफिनेशन लगा ये इसके ऊपर होता है। अब क्या करते हैं, इसको जो रिमान जो ग्रुनवाल्ड लिटनिको फ्रैक्शनल डेरिवेटिव था यहाँ पुट करते हैं, यानी अल्फा की जगह हम माइनस अल्फा पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, यानी ये
अल्फा से आधा डेरिवेटिव पे जब माइनस अल्फा पुट करते हैं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, और ये होगा एफ ऑफ माइनस अल्फा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n की पावर माइनस अल्फा सबमिशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर जे एन माइनस अल्फा सी जे एफ ऑफ एक्स माइनस जे एच होगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/h की पावर माइनस अल्फा सबमिशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर जे होगा, और ये होगा फिर अगेन देखें ये पूरा किसके इक्वल था, इसकी वैल्यू ला के पुट कर दे, इसकी वैल्यू -1j -1 की पावर जे गामा अल्फा +1/j फैक्टोरियल इंटू गामा ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस जे इसके ऊपर, ये फाइनल रिजल्ट इसके ऊपर होगा। इसमें देखें -1 की पावर j -1 की पावर j -1 की पावर 2j होगा, और ये कट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर इवन पावर की वजह से ये कट जाएगा, और जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स था वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में चेंज होगा, ये आई अल्फा ऑफ एक्स बनेगा विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/h की पावर माइनस अल्फा सबमिशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 से n तक होगा, और दिस इज इक्वल टू अल्फा +1/j फैक्टोरियल एंड गामा ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस जे एच के इक्वल, ये होगा इसके इक्वल। तो इसके बाद देखें ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, अब इसमें हम जब अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, जब अल्फा की जगह हम 1 पुट करते हैं तो ये I1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू बनेगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एच की पावर अल्फा 1/h -α, एच अल्फा ही होता है, सबमिशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 से n, जब अल्फा इधर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 गामा 2 होता है, गामा 2 जो है वो हमारे पास असल में गामा 2 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और ये भी गामा 1 होगा, गामा 1 जो 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल अगेन 1 के इक्वल होगा। तो ये बनेगा इसमें एक मिस्टेक भी हो जाए, ये फैक्टोरियल ये है ठीक है, अल्फा प्लस ये तो ये 1 + j होगा, 1 + j जो है वो जब अल्फा की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 + j इज इक्वल टू ये होता है कि ये फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा 1 0 फैक्टोरियल होगा, और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस जे, और α1 रखा तो यहाँ भी α1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और h को जब हम अंदर मूव करते हैं तो ये h इंटू दिस होगा। ये देखें ये वाली टर्म, जब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी सबमिशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से n h f ऑफ x -j h करते हैं तो ये रीमान इंटीग्रेशन बनता है, रीमान इंटीग्रेशन पर होगा, रीमान इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं जो n n जो होता है इसको इनफाइनिट इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, और इसकी जो मेश साइज है वो h f ऑफ x -j h करते हैं, तो ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले इसके लिमिट फाइंड करना होगा। रीमान इंटीग्रेशन में देखिए जब आपके पास कोई फैक्टोरियल
एरिया अंडर कर्व होता था, एरिया अंडर कर्व ए टू बी, तो इसकी जो साइज एच थी वो बी माइनस ए डिवाइड बाई एन होता था। जब ये एन अप्रोच टू इंफिनिटी हो जाए तो इसमें जो फंक्शंस होते थे वो इंटीग्रेशन ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होते थे। ये रीमान इंटीग्रेशन का मैं अलग से एक लेक्चर बनाता हूँ, इसमें पूरा डिटेल से समझाना होगा किस तरह ये रीमान इंटीग्रेबल होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, तो ये समझा दूंगा। और इससे आगे ये किस तरह से रीमान में कन्वर्ट होता है वो मैं बता दूंगा। इससे पहले फिलहाल इसमें लिमिट देखते हैं, इसके लिमिट किस तरह से होंगे। इसमें जो एच होगा वो हमने लिया था एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एन लिया था, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस जीरो डिवाइड बाई एन करता हूँ मैं, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सॉरी, इसको मैं नाम देता हूँ बी और इसको हम नाम देते हैं ए। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करता है तो ये रिमान जो है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए एक्स माइनस ए बनता है, और ये पूरा रिमान इंटीग्रेशन होता है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, क्योंकि यहाँ इसका लिमिट एक्स है, एक्स में आ रहा है इसका अपर लिमिट, तो यहाँ ऐसे फंक्शन जो है हम डी ऑफ टी कंसिडर करेंगे, और एक्स माइनस टी डी ऑफ टी कैसे आ रहा है ये पूरा रिमान का एक अलग वीडियो अपलोड करते हैं, या फिर आप रिमान इंटीग्रेशन का कोई भी लेक्चर देखें उसमें ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि जब ये एच को हम बी माइनस ए डिवाइड बाई एन में एरिया अंडर कर्व में एन बी माइनस ए डिवाइड बाई एन साइज में कन्वर्ट करते हो, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये पूरा एरिया अंडर कर्व आता है, और ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के ऊपर होता है। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हो, इसको कहते हैं लिमान लिवोली फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन के। ये फिलहाल लिमान लिवोली फ्रैक्शनल इंटीग्रल नहीं बनाएगा, इसके लिए थोड़ी सी चेंजेस करना होगा, यानी आई वन ऑफ अल्फा जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस टी डी ऑफ टी के इक्वल था। यहाँ पे हम एक्स माइनस टी को सब्स्टिट्यूट करते हैं यू, तो डी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ यू होगा। इसके लिमिट जो है वो चेंज हो जाएंगी, जो आप लोग को इसको सब्स्टिट्यूट करने, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो फाइनल वर्जन जो आ रहा है वो इसका आ रहा है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ यू डी ऑफ यू के इक्वल आई वन ऑफ अल्फा इसके इक्वल आ रहा है। ये इसका फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, और ये बाय रिमान की डिफिनीशन इसके इक्वल होगा। इसके बाद आई टू ऑफ अल्फा क्या होगा, और ये कैसे ये रीमान इंटीग्रेशन बना रहा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं।